अभी भी आपको नैवी आप कार एप्पल प्ले कनेक्ट करना है, ब्लूटूथ कनेक्ट करने के कार लिंक एप्लीकेशन को टैप करोगे तो इसके थ्रू आपका कार एप्पल प्ले वर्क करेगा। ओके मोटर बता दे पीछे से दूसरी है, स्टैंडर्ड में गए, ये लास्ट ऑप्शन सिनेमा है, रेडीमेड में नहीं आया होगा, बहुत पता है नंबर हीटर वाला इफेक्ट प्रोवाइड कराया है। के नंबर में देखता हूँ, बिल पड़ा होगा मेरे पास तो कोई देखता हूँ, जैसे सराउंड वगैरह बाय डिफॉल्ट हम ही इंस्टॉल करके देते हैं, सेट करके देते हैं। सराउंड मतलब जो पर्पल स्पीकर्स होते हैं ना, राइट फ्रंट लेफ्ट फ्रंट वगैरह, उसके अकॉर्डिंग आपका सराउंड क्लैरिटी होती है, जो आपको फोर स्पीकर्स का सेंटर के अंदर पैटर्न प्रोवाइड करता है। बेस एनहांसमेंट इसमें मिलते हैं आपको दो ऑप्शन, एक नॉर्मल आता है, एक बेस फिल्टर आता है। बेस फिल्टर ऑलरेडी आपका वर्किंग है फ्रंट के रियर में, ये फ्रंट में डिक्रीज करूँगा तो फ्रंट से बेस का इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है, ये इंक्रीज। यहाँ से आप और एनहांस कर सकते हो, जितनी फ्रिक्वेंसी आप अकॉर्डिंग करना कि आपको अपने अकॉर्डिंग ड्रमर बेस मिड वोकल एडजस्ट करना है, तो आपने सिंपली यूजर को टैप करना, यूजर में आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना। ये आपका व्यू आ गया सर, ये स्विच से आप मोड चेंज कर सकते हो। इसके आप ब्राइटनेस वगैरह भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, रिवर्स गियर में सिंगल टैप करना आपने, यहाँ से ब्राइटनेस अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको रखना है वो आप कस्टमाइज कर सकते हो, कलर कंट्रास्ट वगैरह शार्पनेस वगैरह सब। और ये ग्रिड लाइंस को एडजस्ट भी आप कर सकते हो लाइन सेटिंग्स में, कैमरा हाइट, कैमरा एंगल, व्यू एंगल, आप इसको एडजस्ट करोगे तो लाइन्स मूव होगी अप डाउन के अकॉर्डिंग आपके।